अनार में नई नई ग्रोथ आना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, अगर हमें अनार अगर ज़्यादा चाहिए पौधे में, तो इस समय इसमें जो जो काम करने पड़ते हैं वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। ये देखिए, जैसे अनार की नई नई ग्रोथ आ रही है, हर जगह से, हर स्टेम से नई नई ग्रोथ आ रही है। इस समय इसमें अनार में जो है प्रूनिंग करनी ज़रूरी है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। उससे पहले जो चैनल में नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। ये देखिए, मैंने पौधा ये जो है ये ड्रम में लगा रखा है। ड्रम में इतनी ग्रोथ हो चुकी है इसकी, देखिए करीब 3-4 साल का पौधा है। पहले मैंने बाल्टी में लगाया था, उसके बाद ड्रम में रिपोर्ट करा, तो उसके बाद इसमें ग्रोथ अच्छी हुई है। और पिछली बार इसमें हमने करीब 1.5 से 2 किलो अनार लिए, इस बार भी इसमें वही प्रोसेस करेंगे। और आप लोगों के संग वो वीडियो शेयर कर रहा हूँ जो इसमें काम करने पड़ते हैं अनार में। आगे जैसे जो जो स्टेम में नई नई ग्रोथ हो रही है, उन सबको कटिंग करेंगे तो उसमें और अच्छी ग्रोथ होगी। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें प्रूनिंग कैसे करनी है इसकी। इस पौधे की हार्ड प्रूनिंग करनी ज़रूरी है इस समय, क्योंकि अगर हम इसको अगर नॉर्मल प्रूनिंग करेंगे तो इसमें फल कम आएंगे। हार्ड प्रूनिंग करके इसमें जो है स्टेम अच्छी अच्छी आती हैं और बढ़िया से इसमें अनार रुक पाता है। अगर इसमें मान लीजिए जैसे पतली स्टेम है, देखिए अगर इसमें अनार रुकेगा भी तो वो फल टिक नहीं पाएगा, क्योंकि स्टेम पतली है और अनार जो छोटा होगा। इसलिए इनकी प्रूनिंग कर दो बढ़िया से। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर कुछ स्टेम है, इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। जितनी भी ज़्यादा ये मोटी, ये देखिए जैसे मोटी शाखा है, इसको भी हम कट करेंगे तो इसमें यहाँ से नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ से नई ग्रोथ हो रही है, यहाँ से नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। इसको कट कर देंगे हर जगह से, जो जो बड़ी बड़ी स्टेम हो रही हैं। अनार का पौधा लगाना तो आसान है, लेकिन उसमें से जो फल मिलते हैं वो नहीं मिल पाते। उसका एक ही कारण रहता है, हम अनार के पौधे को छोटे पॉट में लगाते हैं। अनार के पौधे के लिए जो बड़ा पॉट होता है उसी में लगाना चाहिए, और उसमें जो खाद ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि खाद की अगर मात्रा कम होगी तो इसमें फूल और फल कुछ नहीं बनेगा। और इसकी हल्के हल्के ऐसे प्रूनिंग कर देंगे। आज जो वीडियो है मैं प्रूनिंग के उसमें ही है, मैं कैसे करते हैं अनार की प्रूनिंग वो दिखा रहा हूँ आपके संग, शेयर कर रहा हूँ। इसको पूरा छांट देंगे, देखिए ये देखिए पूरी हार्ड प्रूनिंग कर दी हमने। अब इसमें से जो जो नई ब्रांच आएंगी उसमें फल लगेंगे। इसकी हार्ड प्रूनिंग आप भी अपने पौधे में जो है अगर 2-2.5 साल से ऊपर का हो गया है तो उसमें थोड़ी सी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए आप। अगर छोटा पौधा है, छोटे पौधे में कोई प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, 1-8 साल हो रहा है तो कोई प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 साल से ऊपर हो गया है तो उसमें हार्ड प्रूनिंग कर दो, तो उसमें जो नई ब्रांचें आएंगी उसमें अच्छे फूल खिलेंगे और जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट होंगे। ये देखिए, इसमें आप प्रूनिंग कर दिए, हार्ड प्रूनिंग कर दिए, तो इसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी, वो हम देंगे। वो हम इसमें न्यूट्रिशन जो देंगे, देखिए जैसे ये गोबर खाद देंगे खाली, इसमें जो है खाली गोबर खाद से हो जाएगा। बाद में जो है इसमें नीम खली वगैरह, बाद में जब इसमें नई ग्रोथ हल्की हल्की स्टार्ट होने लग जाएगी और जो हमने स्टेम काटी हुई है, उसके बाद इसमें और न्यूट्रिशन मैं बताऊँगा आपको, उसकी वीडियो भी बनाऊँगा इसमें कौन कौन से देने हैं। अभी जो हम खाली गोबर की खाद देंगे, पहले सबसे पहले देखिए इसकी मिट्टी है, पूरा गुड़ाई कर देंगे बढ़िया से। इसमें जितने भी खरपतवार वगैरह हैं सब साइड कर देंगे, हटा देंगे उनको। उसके बाद इसमें गोबर की खाद देंगे, ये पूरी खरपतवार अच्छे से हटा देनी है। मिट्टी थोड़ा मॉइस्ट रहनी चाहिए, नहीं तो जो है इस ये पौधा सूख सकता है। हल्का सा गीला होना चाहिए मिट्टी को, नहीं तो पौधा सूख सकता है। जैसे हमने हल्की सी इसकी गुड़ाई कर दी है हल्की हल्की, उसके बाद इसमें जैसे देखिए हमने गुड़ाई कर दी है, उसके बाद इसमें हम गोबर खाद डाल देंगे। गोबर खाद से जो है न्यूट्रिशन मिलते रहेंगे और जितनी भी स्टेम हमने काटी है उसमें ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। और कम से कम 15-20 दिन बाद इसमें जो है दूसरा जो इसको देना पड़ता है खाद, वो मैं आपके संग शेयर करूँगा। अभी पहले हमने खाली गोबर की खाद दे देनी है इसमें। इस तरीके से पूरी गोबर की खाद फैला दीजिए। अगर आपके छोटे गमले में लगा है तो उसमें मात्रा कम करनी पड़ेगी। ये ड्रम में लगाया मैंने, इसलिए इसमें थोड़ी सी मात्रा गोबर की खाद की बढ़ानी पड़ेगी। इस तरीके से आप गोबर की खाद देकर इसमें मिट्टी भर दीजिए ऐसे, बस। इसमें पानी है भी, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। और मिट्टी जो है इसकी मॉइस्ट रहनी चाहिए, जिससे कि पौधे को
न्यूट्रिशन इसमें घुलते रहे, इसके जो गोबर की खाद दिए और पौधा ग्रोथ करे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपके जितने भी परमानेंट पौधे हैं जैसे फल वाले पौधे, उनकी अभी प्रूनिंग कर सकते हैं आप।